दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी कमाई है वो सिर्फ आप यही जानकर सोच में पड़ जाओगे कि जब iOS 14 की अपडेट आई थी ना, तब उसमें यूजर्स को एक ऑप्शन मिल गया था अपने आइकन्स को कस्टमाइज करने का, जिसके बाद में एक ग्राफिक डिजाइनर था जिसने कई सारे आइकॉन बना रखे थे आईफोन के लिए, इसका नाम है टर्फ, जिसने करीबन $100,000 सिर्फ अपने ये आइकन पैक बेचकर ही कमा लिए थे। तो इसने सिर्फ 6 दिनों में 74 लाख कमाए थे सिर्फ अपने एक ट्वीट से कि भैया मेरे पास कई सारे आईफोन के कस्टमाइज आइकॉन मौजूद है, तुम उससे खरीद सकते हो, जहां पर इसने अपने आइकॉन पैक करीबन $28 में बेचे थे। और कितने यूजर्स को बेचे थे वो आप खुद ही गुणा भाग करके लगा लो, जहां पर इसने सिर्फ 6 दिन में 74 लाख रुपए कमा लिए थे। दोस्तों पिछले महीने अगर आपको याद हो, पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, क्योंकि ये अपनी एक गेम लेके आए थे जिसके अंदर पेड टूर्नामेंट अलाउड था, मतलब पैसे लगाओ और पैसे लगा के पैसा जीतो, तो कुछ इस तरीके की स्कीम थी, जहां पर गूगल ने कहा इस तरीके की चीज़ें हम प्रमोट नहीं करते और हमारे प्ले स्टोर के ऊपर ऐसी ऐप्स नहीं आ सकती, जिसके बाद में इनको हटा दिया गया था। और इसी के साथ साथ गूगल ने एक पूरी पोस्ट भी डाली थी कि भैया इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो हर वो एप्लीकेशन हटा दी जाएगी, लेकिन पेटीएम ने फिर वापस ले आई थी अपनी एप्लीकेशन, क्योंकि उन्होंने वो गेम हटा दी थी, जो भी स्कीम थी उनकी ऐप के अंदर वो हटा दी उन्होंने, उसके बाद में वो वापस आ गए थे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। लेकिन इसके बाद में पेटीएम ने सोचा कि इस तरीके की चीज़ आगे भी उनके साथ में हो सकती है, तो उन्होंने कई सारी दूसरी कंपनियों के साथ में एक मीटिंग करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो थी कुल 56 फाउंडर्स की मीटिंग। जी हाँ, अब तक 56 ये वर्चुअल मीटिंग थी जूम के ऊपर, जहाँ पर वो ये डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें भी अपना एक एंड्रॉयड स्टोर बनाना होगा, ताकि ये जो गूगल की मोनोपोली चल रही है वो हमारे साथ में हो ना पाए। तो यहां पर उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, जहां पर पेटीएम ने मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिससे कि तरह तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड की जा सकेगी। और अब तक इसमें करीबन 300 एप्लीकेशन आ चुकी है, चाहे 1MG की बात की जाए, डोमिनोज की बात की जाए, ओला की बात की जाए, या फिर हंगामा की बात की जाए, या फिर इसी तरीके की दूसरी एप्लीकेशन की बात की जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गूगल की तरह इसमें कोई भी 30% की फी उनको नहीं देनी पड़ेगी, वो फ्री में इसको यूज कर पाएंगे। दरअसल गूगल प्ले स्टोर के ऊपर होता है क्या है कि आप जिन भी गेमों के अंदर एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप परचेज को यूज करते हो, तो उसके अंदर वो पेमेंट सिस्टम गूगल के थ्रू होता हुआ जाता है, जिसकी वजह से 30% गूगल का भी फी रहता है, तो ये गूगल को देना पड़ता है। तो इसको भी कट ऑफ करती है ये पेटीएम की मिनी ऐप स्टोर। तो यहाँ पर गूगल ने भी इस चीज को टैकल करने के लिए क्या किया है कि उन्होंने 2022 के मार्च तक सभी इंडियन डेवलपर की ये 30% की जो फी थी वो माफ कर दी है, किसी से भी 30% की फी नहीं ली जाएगी, चाहे इन ऐप परचेज हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो जो कि आप ऐप के दौरान अंदर खरीदारी करते हो, तो उसमें कोई भी गूगल को फी नहीं देनी पड़ेगी, ये फ्री रहेगी 2022 तक। सो गाइस, यहाँ पर इन चीज़ों को कई तरीके से समझा जा सकता है, इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो ये कि भैया गूगल की मोनोपोली चलती है, गूगल 30% फी लेता है, ठीक है, मान लिए बात। दूसरी तरफ भाई हमने इस तरीके की गेम इसमें डाली थी, उन्होंने चलने नहीं दी, और अगर हमें आगे भी इस तरीके की चीज़ें करनी हैं तो हमें गूगल का सहारा लेना बंद करना पड़ेगा, अपना ही स्टोर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो गूगल वापस से हमें हटा देगा और हमें पहले अपने इस एंड्रॉयड स्टोर को इतना बड़ा कर देना होगा, जहाँ पर हमें गूगल पे इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करना पड़ेगा, और हमारा खुद का ही जब ये मिनी स्टोर इतना बड़ा हो जाएगा तो हम अपनी ही चीज़ें कर सकते हैं, अपनी ही चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें हमें लानी है हम अपने हिसाब से ले आएंगे, गाइडलाइंस भी हमारी होगी, पॉलिसीज भी हमारी होगी, हमें रोकने वाला कौन है। तो एक दूसरी चीज़ ये आ जाती है, उसके बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके के टूर्नामेंट भी चला सकते हैं, हमें रोकने वाला कौन है। अब इसके बाद में एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि पेटीएम मिनी स्टोर फिलहाल के लिए इंडियन डेवलपर्स के लिए एकदम फ्री है, यहाँ पर कोई भी अपनी ऐप डाल सकता है और शो कर सकता है, और इनिशियली बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर जो भी इंडियन डेवलपर हैं वो फी भी नहीं देंगे, फिलहाल के लिए गूगल भी नहीं ले रहा है 2022 तक मार्च तक। सो यहाँ पर क्या ये भी फ्री रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि देखो गूगल को ये कहा गया है कि ये अपनी मोनोपोली चलाते हैं, यहाँ पर 30% का कमीशन लेते हैं, तो क्या ये हमेशा के लिए फ्री रहेगा इंडियन डेवलपर्स के लिए? एक और सवाल आ जाता है, क्या यहाँ पर पेटीएम की मोनोपोली नहीं चलेगी आने वाले वक्त में, जहाँ पर पेटीएम कहेगा ये मेरी गाइडलाइंस है, इसको तुम सबको फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर ये एक ऐप स्टोर है, यहाँ पर हर एक बंदा अपनी ऐप डाल सकता है, तो यहाँ पर कुछ तो गाइडलाइन पेटीएम की भी आएगी, जहाँ पर वो भी कहेंगे कि भैया इस तरीके की चीज़ें हम भी अलाउड नहीं करेंगे, तो
फिर क्या दूसरा भी कह देगा कि चलो मैं भी अपना खुद का एक स्टोर बना लेता हूँ। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आती हैं कि भैया ये चीज़ें भी तो आने वाले वक्त में हो सकती है। फ़िलहाल के लिए ये एक शुरुआत है, आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा ऐप स्टोर बन जाएगा और उसके बाद में कहीं तुम्हारी मोनोपोली तो नहीं चलने लगेगी। और यहीं पर दोस्तों, अगर गाइडलाइन और पॉलिसीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, तो बात करते हैं टिकटॉक की, जहाँ पर खबर ये आ रही है कि चाइनीज एक्स ऑफिशियल, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, ये एक चाइनीज एम्बेसी में काम करा करते थे, उन्होंने टिकटॉक की पॉलिसीज और गाइडलाइंस को रीराइट किया है कि भैया ये चीज़ें टिकटॉक पे आनी चाहिए और ये चीज़ें जानी चाहिए, जिनका नाम है चाई जेंग। यहाँ पर दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम थी एक चीज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, कि पिछले एक साल से यहाँ पर एयर लीक हो रही थी, लेकिन किसी तरीके से इसको प्रेशर मैनेजमेंट के जरिए संभाला जा रहा था कि अगर इतनी हवा लीक हो रही है तो हम इतना और प्रेशर रखते हैं जिससे कि एयर प्रेशर वहाँ पर मेंटेन रहेगा। यहाँ पर कई सारे मिशन चलाए गए थे इस एयर लीक को ढूंढने के लिए, जहाँ पर रशिया के मॉड्यूल के अंदर ढूंढने की कोशिश की गई थी कि क्या पता लीक वहाँ पर हो रहा हो, लेकिन वो मिशन फेल रहा था, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली अब उस जगह को ढूंढ लिया गया है जहां पर एयर लीक हो रही थी। ये जगह है मेन वर्क एरिया के अंदर, जिसको ज़वेदा मॉड्यूल भी कहा जाता है, और अब इसको फिक्स करने की कोशिश की जाएगी जो भी एयर लीक हो रही है वहाँ पे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। हालांकि ये सिंगल टॉपिक वीडियो होने वाली थी, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो दो तीन चीज़ें और बता ही देते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रही थी तो मैंने उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने एक वीडियो डाली भी है।